उज्जैन के भैरवगढ़ क्षिप्रा नदी के किनारे बड़ा ही प्राचीन मंदिर है सिद्धवट। यहाँ पर माता पार्वती ने पूजा अर्चना की थी। देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने के लिए इस सिद्धवट मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु श्राद पक्ष के दौरान पहुँचते हैं और क्षिप्रा नदी में स्नान करके अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पूजा पाठ और तर्पण अनुष्ठान करते हैं और फिर सिद्धवट मंदिर में पहुँच कर दूध चढ़ाते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं। इस समय श्राद पक्ष में उज्जैन शहर और अन्य शहरों से बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। टीम भारती न्यूज। अवंतिका तीर्थ में शक्ति भेद तीर्थ के नाम से सिद्धवट घाट है। यहां पे श्राद्ध पक्ष में बड़ी विशेष पूजन होती है। प्रेत शिला स्थान है। यहां पे बाहर से यात्रीगण आते हैं जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, पितृश्राद्ध, महालय श्राद्ध, तर्पण श्राद्ध, पितृदेव शांति पूजन, नारायण बलि विधान पूजन करते हैं। ये क्या वैसे इस मंदिर का महत्व बताया गया है, क्या महत्वता रहती है यहाँ की? तीर्थ की महत्वता ये है कि तीर्थ में जो पितृ अधोगति को प्राप्त हुए हैं वो सदगति प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो है वटवृक्ष देवता को जो है सिद्धवट महाराज को दूध चढ़ता है। तीर्थ में तर्पण श्राद्ध की पूजन होती है। बाहर का यात्री जो भी आता है वो यहाँ पे पितरों की प्रसन्नता के लिए तीर्थ में पिंडदान का पूजन करता है जिससे उसका पितृ का मोक्ष प्राप्त होता है। सर हमारे को 20 वर्षों से आ रहे हैं, हमारी माता जी का वो करवाने आए थे पुत्र। कहाँ से आए आप लोग? हाँ सर। कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और परिवार के साथ आते तो? आनंद आता है। पहले कितने बार आ चुके हैं आप लोग? कम से कम 10-20 बार आ चुके हैं। हर साल आते हैं? नहीं, हर साल नहीं, जब जरूरत पड़ती है जब आते हैं।